So hi class 11, today we were on chapter hydrogen, so we were studying hydrides. We have studied the three types of hydride, that the ionic hydrides, this is covalent hydrides and metallic hydrides. Okay, now we will study the next hydride, that are this polymeric hydrides. These hydrides are generally, you know what is polymer? Which is made up of many parts, in which many small units join together to form a bigger molecule. So hydrides, polymeric hydrides mein ek single hydride nahi hoga, many hydrides are joined together to form a bigger molecule. Theek hai? So generally these hydrides are formed by group 2 elements kaun se aage? This beryllium, ठीक है, एंड मैग्नीशियम. जनरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ही ये बनाते हैं. ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम ही ये बनाते हैं. तो उसमें होता क्या, देखो बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, तो व्हाट विल बी द हाइड्राइड ऑफ बेरिलियम? बीईएच2 द हाइड्राइड ऑफ बेरिलियम, बीईएच2. ओके, बट इट्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट. दो और दो, चार इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास. Every central atom got 8 electrons around itself, but beryllium has only 2 and 2, 4 electrons. So इसके लिए अपना octet complete करने के लिए क्या करता है? देखो जैसे ये होगा BeHH, ये है, ठीक है, इसी के साथ ये होगा BeHH, ये है, ये मान लो BeHH. दूसरा आया, इसके साथ एक तीसरा मॉलिक्यूल होगा BeHH, ठीक है, और इसके साथ एक चौथा मॉलिक्यूल होगा BeHH. ये कितने BeH आ गए? एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया. ठीक है, ये मोनोमर आ गए, ये आपस में बॉन्डिंग करा के एक बड़ा सा पॉलीमर बना देता है. जैसे इसका हाइड्रोजन है, ये आपस में शेयर कर लेता है, इसका हाइड्रोजन इसमें शेयर कर लेता है. तो इस बेरिलियम के ऑक्टेट हो गया 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गए. अब इस बेरिलियम का देखो, 1, 2 तो है, 3 और 4, इसका भी, इस सेकेंड वाले बेरिलियम का भी 1, 2, 3, 4 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ठीक है, थर्ड वाले बेरिलियम का, इसका भी क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. उसी तरीके से फोर्थ वाले बेरिलियम का भी 100 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्शन चलती रहेगी. सो नाउ दीज हाइड्राइड्स फॉर एस BeH2, दे डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली. ठीक है, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीमर. पॉलीमर की तरह है, पूरी चेन बना के रहते हैं इकट्ठे, पॉलीमर की तरह है, बड़े सारे जुड़े आपस में, BeH2 से एन नंबर ऑफ BeH2 जुड़े हुए. ओके, सो दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर कॉल्ड एज पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, इन विच देयर आर मोनोमर यूनिट्स और बड़ी होगी पूरा का पूरा पॉलीमर बना देते हैं. दिस इज पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स. ओके, MgH2 का भी ऐसे है, यू कैन मेक. दिस इज पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स. नाउ the next is, the last type of hydrides are complex hydrides. Next are, this is a third, fourth, fifth part, that are complex hydrides. That is complex hydrides. Okay, so complex hydrides are mixture of two type of hydrides. ठीक है, generally group 1 के hydrides और group 13 के हाइड्राइड्स, देखा गया, मिलके एक नया हाइड्राइड बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, जैसे ग्रुप 1 का मैं ले लूं एक एग्जांपल, लिथियम हाइड्राइड LiH आएगा, और ग्रुप 13 का ले लूं मैं AlH3. ठीक है, तो ये मिलके, दोनों मिलके एक कॉमन हाइड्राइड बनाते हैं LaAlH4. ठीक है, इसमें इसकी ओवरऑल वैलेंसी क्या होगी? पॉजिटिव दोनों की, 4 पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव आएगी. ठीक है, लिथियम की +3, इसकी +4 आ गई, और इसकी क्या आ गई? माइनस आ गई. तो माइनस कैटेगरी का ये, दिस इज नोन एज, पूरा आ गया, इसको मैं जरा एक्सप्लेन करूं, यहां पे कितना होगा लिथियम Al, इसकी वैलेंसी क्या आ गई? 4+ और H4 की वैलेंसी क्या आ गई? 4-, तो ये आ गया हाइड्राइड. ओके, एंड दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, that is reducing agents. क्यों? इनके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को डोनेट कर देते हैं, तो they can reduce someone, तो they are acting as reducing agent. इसका नाम आ गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड.
ठीक है, इसी तरीके से आता है एक और का एग्जांपल आता है NaBH4, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिस इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, ओके, सो दिस हाइड्राइड्स आर ओवर, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल्स, वी विल मूव टुवर्ड्स द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन. So the first compound we are going to study is water. We are going to study is water. You know how water is formed? 2H2 plus O2 will make 2H2O. Okay? This is gas. This is gas. This is also gas. Steam hai, baad mein ho jati hai. Okay? Now structure of water. Structure of water. Structure of water. देखो तो मैं पता ही है oxygen है और hydrogen है. और हाइड्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो और छह, आउटरमोस्ट शेल में छह इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक और दो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, छह में से दो पार्टिसिपेट करने पड़े, एक यहां पार्टिसिपेट कर रहा है, एक यहां पार्टिसिपेट कर रहा है, चार बच गए, तो एक लोन पेयर और दो लोन पेयर, दो लोन पेयर आ गए और इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, कितना इसका आ गया, ठीक है, और ये लेंथ होती मेरे ख्याल से 104 माइक्रोमीटर, 100 होती है, दिस इज नॉट अबाउट बॉन्ड एंगल, इज इंपॉर्टेंट, ये वाटर का स्ट्रक्चर आ गया. नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर बताओ, वाटर की प्रॉपर्टीज में पता ही चल रहा है, सॉलिडलेस सब्सटेंस है, ठीक है, मेन प्रॉपर्टी क्या है, इट इज न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है, न्यूट्रल ऑफ द वाटर, ठीक है, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर मीन्स वाटर कैन एक्ट एज बेस, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड, वाटर बेस भी बना सकता है और एसिड भी की तरह भी एक्ट कर सकता है, वेरी इन नेचर. अब इसके बाद क्या गया कि ये हाइड्रेट फॉर्मेशन भी करता है, हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेट समझते हो मतलब सॉल्ट बनाता है, जैसे CuSO4, 5H2O एक हाइड्रेट बना दिया, सॉल्ट बना दिया, इसकी वजह से क्रिस्टल बन गया, ठीक है, या FeSO4, 7H2O क्रिस्टल बन गया, दिस इज ब्लू इन कलर, ठीक है, दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर, सो ऑल दिस थिंग्स अबाउट वाटर यू नो जनरली, तो मैंने इसको थोड़ा सा खींच दिया. अब आई विल मूव टुवर्ड्स द मेन टॉपिक, दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर, दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, तो देर आर टू काइंड ऑफ वाटर, सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड वन इज हार्ड वाटर, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर का मतलब ये कि पत्थर जो हो जाएगा, थोड़ा खूबी होती है इसकी, खूबी मतलब बैड पॉइंट्स होते हैं, सॉफ्ट वाटर खूबी यानी समझो बैड पॉइंट्स, सॉफ्ट वाटर देखो, सॉफ्ट वाटर का क्या है, सॉफ्ट वाटर फ्री ऑफ इंप्योरिटीज, फ्री ऑफ इंप्योरिटीज, किसकी इंप्योरिटीज होती है इसमें, ऑफ दिस इज बाइकार्बोनेट, ठीक है, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, सॉफ्ट वाटर में बाइकार्बोनेट SCO3 सल्फेट और क्लोराइड्स नहीं होता है, ठीक है, इसमें कंटेन्स इंप्यूरिटीज, कंटेन इंप्यूरिटीज ऑफ सल्फेट क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, इंप्यूरिटीज होती हैं, ठीक है, इसमें इंप्यूरिटीज होती है, इसमें इंप्यूरिटीज होती है, ठीक है, अब सॉफ्ट वाटर के साथ तुम कपड़े धोगे तो झाग कैसे पता लगेगा सॉफ्ट वाटर है, जब झाग आसानी से बन जाए कपड़े तुम झाग आ जाए, फॉर्म्स गुड लेदर, फॉर्म्स गुड लेदर का मतलब झाग बनना, अगर पानी के साथ कपड़ों का अच्छा झाग बनना मतलब वो सॉफ्ट वाटर है, और डज नॉट फॉर्म गुड लेदर, डज नॉट फॉर्म गुड लेदर, अच्छे से झाग नहीं बना रहा मतलब क्या, वो पानी ठीक नहीं है, दैट इज हार्ड वाटर, तो अपने को एस्टिमेट हो जाता है, ठीक है, जैसे नलके का पानी अच्छे से करता साफ, तुम नदी नाले का पानी दो कभी कभी, जो लोग का नदी नहीं बनाते झाग, क्योंकि इसमें इंप्योरिटीज बहुत है, ठीक है, तो दिस इज हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, अब हार्डनेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हार्डनेस ऑफ, हार्डनेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस, हार्डनेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट आ गया टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्पोरेरी हार्डनेस, फर्स्ट आ गई जिसकी टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है, ऐसी हार्डनेस जो बॉइलिंग करके सिंपल अगर तुम पानी को उबालोगे तो वो हार्डनेस चली जाती है, उसको बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, पानी साफ हो जाता है, तो ऐसी हार्डनेस होती है ड्यू टू
बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अगर पानी में कैल्शियम का बाइकार्बोनेट क्या होगा, CaHCO3 2, और मैग्नीशियम का दिस इज कार्बोनेट, यू अंडरस्टैंड, CO3 बाइकार्बोनेट में SCO3, इसकी कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है 290 और बाइकार्बोनेट की कितनी होती है 190, इसलिए कैल्शियम का दो लेने पड़ेंगे। अगर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो तो मतलब बाइकार्बोनेट की वजह से इंप्योरिटी होती है, तो अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो तो इनको तो अगर तुम बॉइल करोगे तो भी वाटर ये अलग हो जाते हैं और वाटर प्योर हो जाता है। सो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म टेम्पररी हार्डनेस व्हिच कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। ओके, अगर बाइकार्बोनेट्स ना हो, सपोज अब सेकंड आती है परमानेंट हार्डनेस, जो बॉइलिंग से ठीक नहीं होती, परमानेंट हार्डनेस का मतलब है बॉइलिंग से पानी साफ नहीं होता, बॉइलिंग का इफेक्ट नहीं होता, बॉइलिंग से पानी साफ नहीं होता, तो परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है, अगर कैल्शियम का क्लोराइड हो या मैग्नीशियम का क्लोराइड हो, ठीक है, या कैल्शियम सल्फेट हो, सल्फेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट, अगर इंप्योरिटीज इसकी वजह से हो, क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से, सो वो बॉइलिंग से ठीक नहीं होती, तो उसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। ओके, अब बॉइलिंग से ठीक नहीं होती तो परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं।